वही खंडवा बुरहानपुर लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जहां भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा से 2,69,971 वोटों से जीत हासिल कर ली है, तो वहीं बुरहानपुर विधानसभा से वह 7,209 मतों से हारे हैं। आपको बता दें कि यह वह आंकड़ा है जो न सिर्फ बुरहानपुर विधानसभा बल्कि पूरे खंडवा संसदीय क्षेत्र के साथ भाजपा संगठन में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि नरेंद्र पटेल भी बाहरी प्रत्याशी होते हुए भी बुरहानपुर विधानसभा से 7,209 वोट से लीड ली है। यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को अखर गई और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अपने गृह ग्राम बोहरडा में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। तभी कुछ कार्यकर्ता पार्षदों ने भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने से इस्तीफा मांग लिया। वही कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने ने कहा, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती है, कार्यकर्ता शोक संतप्त है, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता पार्टी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद निर्णय करेंगे। कार्यकर्ता से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। कार्यकर्ता देखिए, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती है, कार्यकर्ता शोक संतप्त है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अब बुरहानपुर विधानसभा चुनाव चतुष्कोणी चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट इस लोकसभा चुनाव में मिले, वोट कम नहीं हुए, वोट उससे ज्यादा मिले हैं, इसलिए इसको हम हार नहीं कहेंगे। चुनाव तात्कालिक समीकरणों के ऊपर होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव का समीकरण अलग था, इस चुनाव का समीकरण अलग है। यहाँ पे अभी जो लड़ाई हुई है वो आमने सामने की लड़ाई हुई है।